नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पे हैं और आज यहां पे वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी जी जुड़े और करीब 85,000 करोड़ रुपए की सौगात पूरे देश के रेलवे स्टेशन को दी। तो हमारे साथ यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और पूरे शहर से लोग उपस्थित हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो सार्वजनिक चीज है। तो पवन खैरवाल जी, इनसे बातचीत कर। जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रदीप जी, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आप समय समय पर आप सब जितनी भी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं उसके लिए विशेष रूप से हम आपको आज जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर। आज रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए पूरे देश भर में अनेक ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं जिनके चल रही हैं, जिनके माध्यम से जन सुविधाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, चाहे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उनमें सुधारीकरण की बात हो, चाहे समय की बात हो, चाहे कोचों के चेंजमेंट की बात हो, और वंदे भारत जैसी बड़ी सौगात इस पूरे देश भर के अंदर अनेक स्टेशनों पर ऐसी दी गई है जिसके माध्यम से आम जनता की सुविधाएं पहुंच रही हैं। और आप देख रहे थे कल भी नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनको पूरे विश्व के नेता हैं, कल द्वारका एक्सप्रेस जैसे बड़ी परियोजना का शुभारंभ करके गुड़गांव के अंदर पवित्र भूमि हरियाणा के अंदर आए। ऐसे आज सुबह जब हम नहीं उठे उससे पहले मोदी जी फिर दुवासी लोगों के बीच में, तो इससे पता चलता है कि हमारा सेवक जाग रहा है, हमारा चौकीदार जाग रहा है और निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम सब का, प्रत्येक भारतवासी का एक इच्छा है अब की बार 400 पार और दोबारा से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के माने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। नमस्कार अमित जी। जी नमस्ते भाई सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। देखिए आज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट मुहिम के नाते से महेंद्रगढ़ स्टेशन के ऊपर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के इस काउंटर का उद्घाटन हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ की लागत से आज देश में अनेक रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बने। कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। रेलवे के अधिकारियों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई थी। बाल फुलवारी विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और अनेक प्रकार से, चाहे एलईडी की सही तरीके से लगने की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, सब प्रकार के नाते से रेलवे के अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, बढ़िया। कैसा लगा बच्चों का डांस? बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी जो मन को मोहने वाली थी। और मोदी जी ने 85,000 करोड़, मोदी जी तो मोदी जी हैं, 85,000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं मोदी जी चालू कर रहे हैं। आए दिन कभी कहीं कभी आए दिन। कल हम सब जो है गुड़गांव में थे, गुड़गांव में बहुत बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, कहीं शिलान्यास किया है। आज भी अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। लगातार मोदी जी करते जा रहे हैं और मोदी जी इस देश को, जो हमारा सपना है, भारतवर्ष के हर नागरिक का सपना है, वो इस देश को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे प्रधान जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुबह उठते 85,000 करोड़ की सौगात मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और हम तो जब आते थे तो रेलवे स्टेशन की हालात देखते थे, अंग्रेजों का जमाने का बना हुआ रेलवे स्टेशन और आज का रेलवे स्टेशन में दिन रात का अंतर है। आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, विकसित भारत की जो कल्पना की है, वो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसी योजनाओं के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे डांस भी कर रहे थे, छोटे यानी कार्यक्रम के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों से लेकर गरीब से लेकर मजदूर से लेकर किसान से लेकर कर्मचारी से लेकर व्यापारी तक सभी का कहीं न कहीं ध्यान रखा है। आप ये सोच रहेंगे कि कोई नहीं देख रहा, वहाँ मोदी देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज यहाँ पे डांस किया था, छोटे छोटे बच्चे हैं और सुबह करीब 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, इन्होंने डांस करके दिखाया। बेटा क्या नाम है आपका? ईशु। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूकेजी। तो कौन से गाने पे डांस किया था? हाथ में कंगन। अरे आपने भी किया था डांस, कौन से गाने पे? हाथ में कंगन। क्या नाम आपका? सोमिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाल फुलवारी स्कूल में। आपका क्या नाम बेटा? दिया। डांस करके आए हो, कैसा लगा? अच्छा, मजा आया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाल फुलवारी। आपने क्या किया था बेटा, डांस करके आए थे? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाल कौन से क्लास में? थर्ड क्लास। कैसा लगा स्कूल से बाहर यहाँ आके डांस किया प्रोग्राम में? अच्छा अच्छा लगा।
तो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने बताया कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और इनके जो चेयरमैन मैडम है वो भी हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। तो कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज 10 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया हुआ है, तो उसी उपलक्ष्य में बच्चों ने प्रस्तुति की है, डांस की प्रस्तुति दी, और वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ हमने कल, क्योंकि ये हमें कल इवनिंग में ही पता चला था हमें कि बच्चों को यहाँ डांस परफॉर्मेंस करनी है, तो बस हमने कुछ टाइम के लिए बच्चों ने तैयारी की थी और बहुत ही अच्छी तैयारी की है बच्चों ने कम टाइम में। अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। तो बाल फुलवारी के बच्चे थे और काफी बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी और यहाँ जो व्यक्ति आए हुए उनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप बने रहे। तो हमारे साथ एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा गीत गा के सभी दर्शकों को लुभाया था, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह। स्टेशन मास्टर रेलवे में ही है? हाँ जी, स्टेशन मास्टर रतनगढ़। अच्छा अच्छा। तो आज आपने गाना गाया, बहुत अच्छा लगा, कैसे आप तैयारी करते हैं? तैयारी तो बचपन से शौक था मुझे गाने का, और रेल से पहले मैंने काफी सारे कॉम्पिटिशन भी गए थे, लेकिन रेल के आने के बाद में जो तैयारी होती है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि एक स्टेशन मास्टर की जो जॉब है वो आप बिजी रहते हैं। हाँ, बहुत बिजी शेड्यूल है। अच्छा, अच्छा। तो इस चक्कर में ज्यादा तैयारी नहीं हो पाती। पहले स्कूल लेवल पर काफी प्रोग्राम किए थे। मोदी जी ने बड़ी सौगात दी रेलवे को, क्या है? बिल्कुल, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। मैं ऐसे कैसे 5-7 कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूँ, और उनमें मोदी जी का जो मोदी जी ने बताया कि लगातार जो सपोर्ट कर रहे हैं रेलवे को, जो बढ़ावा दे रहे हैं रेलवे का, और हर चीज में आप स्वच्छता को ले लो, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर ले लो, और मतलब ट्रैक जो अभी बताया अपने मालगाड़ी जो लगातार रेगुलर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो स्टेशन पे कार्यक्रम हुआ, यहाँ जो आयोजक महोदय हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा रहा कार्यक्रम और कैसे मैनेज किया। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अपने बारे में बताएं पहले। अशोक यादव, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी बीकानेर मंडल से। जी। आज का जो कार्यक्रम था ये एक स्टेशन एक उत्पाद के बारे में था, हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ स्टेशन का। जी। और ये प्रधानमंत्री द्वारा आज पूरे भारत में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वंदे भारत ट्रेन का उनका मतलब हरी झंडी से उनको रवानगी, बाकी को सौगात दी है। मतलब सभी स्टेशन को बहुत ज्यादा सौगात दिए, पहली बार इतना एक लार्ज मतलब एक बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सुचारू रूप से सभी जगह अच्छे से हुआ, सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से आयोजित हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अच्छा डांस किया, बच्चों ने डांस दिया, हमारे रेल कर्मचारियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी है, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। तो जैसा आपने देखा कि लगभग 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का आज नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे शुभारंभ किया, हरी झंडी यहाँ पे दिखाई, और आप देख सकते हैं लगातार लाजवाब कार्यक्रम रहा, अच्छी भीड़ पहुंची और सभी ने अपनी अपनी जो बातें रखी। बाल फुलवारी के बच्चों ने बहुत अच्छा डांस करके दिखाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और लगातार मोदी जी जो देश को परियोजनाएं दे रहे हैं, देश के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लगातार स्तर को उठा रहे हैं, आपको कैसा लगता है? वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और लगातार इस प्रकार की अपडेट्स के लिए बने रहें। इंडिया न्यूज 16 के साथ नमस्कार, धन्यवाद।